सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम, स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। हम इस पर कमेंट ले लें, तजिया ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजिया कॉल, एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। लगारी साहब, ये हटा दिया गया वज़ीर आला की जानिब से, दो वज़रा को इमरान खान ने खुद मंजूरी भी दे दी। आपको लग रहा है कि ये अब दोबारा से उनकी वापसी हो जाएगी और ये आना जाना, ये खेल इनकी हुकूमत के लिए, इनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं है? मज़ा का खेज बात है। पहली बात तो ये कि अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर महमूद खान कहते हैं कि ठीक है जी आप इन्हीं को रखें और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर उनको मनाने के लिए जाएंगे, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? किस तरह महमूद खान साहब कर सकते हैं वैसे ये? नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि महमूद खान ने तो बेजार आकर यहाँ इनसे मुलाकात की थी, जो भी सूरत हाल थी। और असल बात वो थी कि जी इन्होंने किसी अहम शख्सियत से, एक रिटायर्ड मेजर जनरल से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये बात पहुंची जब इमरान खान तक, तो वो बहुत जो है वो बहुत शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। इन्हीं मुलाकातों पर कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, यानी वो आप उस वक्त आपके खिलाफ साजिश हो रही थी, आपने साजिश का जो है वो जोर तोड़ने के लिए, साजिश का जवाब देने के लिए आपने वज़रा को निकाल दिया। या दो सूरतें हो सकती हैं कि इनका विजडम जागा है, जो मेरे ख्याल है कि ऐसा कम हो सकता है, ये विजडम का मसला नहीं है। इनको फिर कहीं से कहा गया है कि यू टर्न लो, फिर इन्होंने यू टर्न लिया है, और यू टर्न लेने के लिए जिन्होंने कहा है गालिबन फिर वो आगे भी सूरत हार को ले जाएंगे और ये इस तरह से मामला चलेगा नहीं। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ों के दिन गिने जा रहे हैं। चलें अब ये देखते हैं कि अब क्या फैसला महमूद खान साहब करते हैं कि उन वज़रा को वापस लाया जाएगा या नहीं। क्योंकि आपने कहा कि आप सोचें, और मैं चाहता हूं इमरान खान की अब ये चाहत है, तो महमूद खान इस चाहत पर किस तरह का रिएक्ट करते हैं ये अब देखेंगे कुछ ही देर बाद, जब फैसला भी सामने आएगा। आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जुल्म दरिंदगी कर्फ्यू को 180 रोज हो गए। इस जुल्म को जारी तो 72 साल हो गए, लेकिन आज जो 5 अगस्त के बाद ये सूरत हाल हुई तो वो 180 दिन गुजर चुके हैं। कश्मीरियों के लिए इस वक्त ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मौसम जब से सर्द हुआ उसके बाद लोगों के लिए खाने पीने, बीमारों के इलाज के लिए, उनकी अद्वियात के लिए, तलबा के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तालीम के लिए इस वक्त मुश्किलात थी, लेकिन अगर किसी पर असर नहीं हो रहा, और वो भारतीय हुकूमत है, नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर पूरी दुनिया से भी बात की गई लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। शायद दुनिया खुलकर वो बात भी नहीं कर रही है, जिसके असरात ये हैं कि भारत पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजयकार लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब। बहुत शुक्रिया नईम लोधी साहब आपके वक्त का। सर, 180 रोज़ मतलब कि 6 माह का एक वक्त है, और 6 माह बहुत तवील वक्त है। किसी को घर में एक दिन के लिए कैद कर दिया जाए तो शायद उसको अपने आप से भी खौफ आने लग जाता है। तो कश्मीरियों के लिए मुसलसल ये कर्फ्यू को 180 रोज गुजर गए, क्या दुनिया ये तमाशा, ये जुल्म, ये जबर नहीं देख रही? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसमें तो कोई शक नहीं कि 6 माह बहुत लंबा अरसा होता है, और जहाँ तक दुनिया के ज़मीर की बात है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं कि जो तो नेशन स्टेट्स हैं, इनका ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कभी आपने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाल बताइए कि जो सिविल सोसाइटी है इंटरनेशनल, जो कोई मीडिया हाउसेज हैं, कुछ और ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर आपको ज़मीर की चमक और बाज़ औक़ात झलक नज़र आती है, तो वो आपने देखा है कि चाहे वो यूरोपियन यूनियन की प्लेटफॉर्म हो या ब्रिटिश यूके का प्लेटफॉर्म हो, इवन अमेरिकन जो पार्लियामेंट है वहाँ से भी आवाज़ें उठी हैं, दुनिया को पता चल गया है, जो डायस्पोरा है हमारा उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा है कि दुनिया क्या ये सब कुछ देख नहीं रही है ज़ुल्म सितम, तो ये सवाल अगर मैं अपनी हुकूमत से करूँ कि अपने लीडरों से करूँ कि क्या उनको ये ज़ुल्म सितम नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या जवाब देंगे? सही बात ये है मेरे भाई कि जो तो डिप्लोमेसी है उसकी एक हद है, वो एक हद तक आपकी मदद कर सकती है, वो हो गई है। डिप्लोमेसी का बड़ा अच्छा असर हुआ है, दुनिया ने पहचान लिया है कि कश्मीर एक मसला है, दुनिया ने जान लिया है कि कश्मीर एक मसला है, और अभी अगर इंशाल्लाह दोबारा तहरीक चलेगी तो
तो आप देखेंगे कि दुनिया उसको टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ पाएगी, क्योंकि जितना भी प्रोपोगंडा करेंगे हिंदुस्तान वाले या बीजेपी, वो दुनिया नहीं मानेगी कि ये टेररिज्म है, वो मानेंगे कि ये आज़ादी की तहरीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो इसमें आ गया है। लेकिन ये है कि इसके आगे जो कुछ होना है, जो अगर आप ये कहें कि रवैयों में जो तब्दीली है, वो तो जो कश्मीरी अपना किस तरीके से जद्दोजहद आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान कैसे साथ खड़ा होता है, उस पर इनसार है। अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान और क्या करे, अगर उसका आप जवाब मुझसे चाहते हैं तो मैं आपको बता मैं 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 लो सब उस पे आता हूं कि पाकिस्तान कर क्या सकता है। लेकिन उससे तो पहले ये पहली बात तो ये है, मैं सर आता हूं, लगारी साहब का इस पे तज्जिया ले लिया जाए। जो आपने बात की कि दुनिया के जमीर जो है वो तो कहीं भी जागता हुआ नजर आपको भी नहीं आया, हमें भी, हमारी तो उम्र, आप तो तजुर्बा और पूरी दुनिया देख भी चुके हैं। लगारी साहब, ये दुनिया का अमन ये मशरिकी तैमूर तक तो होता है, ये फलस्तीन कश्मीर तक नहीं होता है, ये क्या चक्कर है? इस ज़मीर का भी अपना एक बटन है कि अपनी मर्जी से वो जाग जाता है। इसराइल के लिए अगर किसी भी किस्म का आज से इतने साल 40 साल पहले को मामला हो तो अमेरिका भी खड़ा हो जाता है, बाकी यूरोपीय दुनिया भी खड़ी हो जाती है, लेकिन फ़लस्तीन हो कश्मीर हो उसके लिए खामोशी है। इस्लामी दुनिया ने अपनी भरपूर ताकत का, हैसियत का इजहार किया था 1974 में जी, और उसके बाद नई सूरत हाल डेवलप हुई थी, नई असलाह आई थी कि जनाब जो मुबादला की ज़रा है वो डॉलर नहीं बल्कि पेट्रो डॉलर है, और पेट्रो डॉलर इस्तेमाल होना शुरू हो गया था असलाह के अंदर कि ये ताकत है। इस्लामी दुनिया ने अपनी ताकत का इजहार किया था, एक जगह आकर बैठ गए थे और लीडरशिप ने ये मैसेज दिया था दुनिया को कि हम एक हैं और हम सारे इशूज़ पर एक रहेंगे। लेकिन उस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए जो कुछ होता रहा, फिर सिलसिले दर सिलसिला है, किस तरह से शाह फैसल का कत्ल हुआ, किस तरह से भुट्टो साहब की फांसी हुई, किस तरह से और बड़े बड़े वाकयात हुए, किस तरह से हमने आज़ाद जमहूरी दुनिया की बी टीम बनकर उनकी खिदमात बजा लाने के लिए हमने किस तरह से प्रॉक्सीज की हैं और किस तरह से हमने वहाँ पर उनके लिए काम किए हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो किस तरह से हमें दर बदर कर दिया गया और बेघर कर दिया गया और हमारे बारे में सोचा तक नहीं गया, फिर जब ज़रूरत पड़ी तो फिर कहा गया दोस्तों के दुश्मन, हमने सांस नहीं ली, हमने फौरन कहा जी हम तो आपके न्याजमंद हैं, क्या बात करें, दोस्त क्या होता है दुश्मन क्या होता है, हम तो आप हुक्म करें। उनने कहा ये है ये है ये है ये पाँच चीज़ें बता रहे हैं, हमें लार्जेस्ट सपोर्ट दोगे, इंटेलिजेंस सपोर्ट दोगे, हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ से जहाज हमारे लिए जगह बर्बादी करेंगे, वो किया सब कुछ उन्होंने, और जब वक्त आया तो फिर हम उस जंग को उठाकर अपने घर में ले आए, तो हम औरों की जंग लड़ते रहे। आपने कभी ये सोचा है कि हम अपनी बात करें? जनाब आप हमें फरमाइश भेज रहे हैं, हमारा ये काम पड़ा हुआ ये भी करें, आप तैमूर में आप जा सकते हैं, सूडान में आप जा सकते हैं, अगर वहाँ पर ईसाई अकलियत को हुकूमत दिलानी हो या अलग से ममलिकत दिलानी हो तो आप वहाँ पर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। मुसलमान होना जो है वो जुर्म है, आप फलस्तीनी हूँ या कश्मीरी हूँ, आपके साथ कोई तआवुन नहीं होगा, आपसे खिदमात ली जाएंगी, आपकी हर तरह की खिदमात होंगी, तो दौलत भी आपसे लेंगे और वो दौलत हम अपने मफाद में खर्च करेंगे और हर जगह खर्च करते जाएंगे, चाहे वो ईरान हो, शाम हो। लगारी साहब एक नहीं, एक है, दो है, तीन, और अब 2020 का फिर यही मामला है। तो लोधी साहब अब फिर से फरमाइश है तालिबान मुज़ाकरात और अफगानिस्तान में अमन के हवाले से, पहले जंग के लिए फरमाइश थी अब अमन के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्या इतनी भी बात सिर्फ एक बयान तक ही खामोश हो जाता है कि जब सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं चाहता हूं सालसी हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, और ये वो बयान है जिसको फौरी तौर पर भारत रद्द करता है, भारत पर न P5 के ममालिक का कोई प्रेशर हो सकता है, ना खुद अमरीका इससे आगे कोई बात कर पाता है, पाकिस्तान इससे हासिल कुछ नहीं कर पाएगा? जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में इतना रोल अदा कर रहा है तो अमरीका भी रोल अदा कर ले। जी पहली बात तो लगारी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अहाता किया, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, ऐसा ही हुआ है जैसा कि वो कह रहे हैं जी। सिर्फ एक बात ज़रूर, एक फ़र्क आ रहा है कि अभी थोड़ी सी करवट ले रहा है जो इस्लामी दुनिया में, एक आप देख रहे हैं तुर्की में एक लहर है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ईरान अगर साथ मिल जाए एक्सक्यूज मी, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी, बेशक ठीक है अरब मुल्क भी, आप अरब मुल्क बेचारे फंसे हुए हैं, उनके ऊपर जैसे अब यूँ समझें कि किसी शाहीन के पंजे में चिड़िया है, इस तरीके से उनके हालात हैं, अल्लाह करे कि, लेकिन वो इधर उधर देख ज़रूर रहे हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर ये पांच ममालिक जिनका मैंने आज नाम लिया है ये थोड़ा सा जिगरी का मुजाहरा करें और खड़े हो जाएं
और आपस में यकजहती का इजहार करें, तो आहिस्ता आहिस्ता और कुव्वतें भी इनके साथ मिलेंगी। चाइना शायद तैयार हो, रूस शायद तैयार हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कुछ ऐसे हो सकते हैं, कोई वेनेजुएला है, क्यूबा है, कोरिया है, और कुछ कंट्रीज हैं जो साथ मिल सकते हैं और एक बड़ा ब्लॉक बन सकता है, जिससे आप ये जो पेट्रो डॉलर्स या सिर्फ डॉलर्स, मैं कहा करता हूँ कि ये टायरनी ऑफ डॉलर्स, के ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त दुनिया के लिए वो ये है कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और अमेरिका को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डॉलर छापने हैं और वो पूरे मुल्क के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा वो कर सकता है, इस तरीके से किया हुआ है उसने। अब ये जो बात आपने कही है कि हम क्यों नहीं अपना हकमा, मुझे लग रहा है, मेरा अंदाज़ा है, पहली बात तो एक चीज़ का मैं ज़रूर थोड़ा सा इशारा कर दूँ कि ऐसा ना हो कि हम इस गड़े में गिर जाएँ। ये जो ट्रंप कह रहा है कि सालसी मैं करता हूँ, खुदा रहा कभी ट्रंप की सालसी ना मानिएगा, कभी ट्रंप को दरमियान में बिल्कुल फलस्तीन के अचानक दिया वो भी आप मिलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि कश्मीर के ऊपर ट्रंप की सालसी मान गया, तो आपने देख लिया कि फलस्तीन में सालसी का क्या नतीजा निकला, और वो ऐसा ही नतीजा यहाँ भी निकलने के इम्कान है। तो अल्लाह ना करे कि हम ट्रंप की सालसी माने। मुझे ये लग रहा है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मुझे ऐसे क्राइम नज़र आ रहे हैं कि शायद अभी हमारी खारजा पॉलिसी में आहिस्ता आहिस्ता नरमी ख़त्म हुई है और थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को देखने की तरफ तवज्जो दी जा रही है, और इसके शायद जो बिल्कुल वाजह इशारे हैं वो चंद महीनों में नज़र आएंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस तरफ लगारी साहब इशारा कर रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा है जी, उसके जवाब में पाकिस्तान अब कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से अब एक बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा है, जिसका अभी मैं जिक्र यहाँ नहीं करूँगा। अच्छा, अपने मैं थोड़ा बहुत मैं उस पर मैंने लिखा है और वो भी हमें चंद महीने में नज़र आ जाएगा कि वो क्या मांग रहा है। तो सर मैं सिर्फ इतना पूछ सकता हूँ कि क्या वो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो 9/11 के बाद हमारे लिए मुश्किलात बन गई थी, तब भी अमेरिका ने कुछ मांगा था, ऐसा कुछ तो नहीं है जी? वो उसी लेवल की कोई चीज़ होगी, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम हर दफ़ा फिर मान जाते हैं, पहले गालियां सुनते हैं और बुरा भला आगे से जवाब में भी कहते हैं और समझते हैं कि शायद अगली दफ़ा वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो जब कोई हमसे तकाजा करता है तो उसके लिए पहले वो ग्राउंड बनाता है, उसने पहले आपको बांधा है, आपकी इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया है, और मज़ीद IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा हुआ है कि वहीं पर रहो और इनको उठने ना देना, और वो हमें उठने दे नहीं रहे हैं। ये बात मेरा ख्याल है कि हुकूमत अभी तक समझ नहीं पाई है, अभी भी वो तकिया उन्हीं पे किए हुए हैं जिन्होंने इनको तबाह बर्बाद किया है। सही। तो अब वो उसने, आपको पता है कि सऊदी अरब और UAE की तरफ से जो हमारी वहाँ मैन पावर है उधर से हमें किस किस्म के पैगाम मिले हैं, आपको ये भी पता है कि हिंदुस्तान से रोज़ किस किस्म के बयान आ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है ये क्या चीज़ें हैं? ये तमाम वो छांटे हैं जो हमें वो मार रहा है, और अभी वो कहने वाला है जो उसने कहना है, और फिर मुझे नहीं लगता कि हम इसको रिजिस्ट कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह करे कि इस दफा हम कोई थोड़ा सा कोई अहमियत का, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि सब, अगर आप कह रहे हैं, आपका एनालिसिस भी, आपके ज़राए भी और आपकी चीज़ें भी बड़ी स्ट्रांग होती हैं लगारी साहब, हम तो कश्मीर की आज़ादी के लिए और पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, हमें तो अमरीका से एक और छांटा आने वाला है। वही बात है जी, मीर क्या साझा हुए, बीमार हुए, जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, हम तो जाते ही उसी के पास हैं जो हमें बीमार कर देता है। मैं कुछ एक वाक्या याद दिलाता हूँ, यहाँ पर एक ज़माने में जब पहली गल्फ वार छिड़ी हुई थी तो यहाँ से एक आखिरी परवाज़ गई थी, उसमें मैं भी गया था सऊदी अरब, वहाँ पर एक सेमिनार में शरीक होना था। अच्छा, यहाँ फिज़ा ये बन चुकी थी कि हम इराक के साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे, और पहली मरतबा एक ऐसा काम भी हुआ था कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग ने खुल कर ये कहा था कि हम इराक को बरहक समझते हैं, ठीक समझते हैं, और हम उसके खिलाफ किसी इकदाम में शरीक नहीं होंगे, और उन्होंने बिल्कुल इस पर बिल्कुल वाज़े वाकिफ अख्तियार किया था। इत्तफाक ये है कि जिस दिन हम शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ से मिलकर वापस आए उस जगह पर जहाँ हम रह रहे थे, तो वहाँ पर लॉबी में हमें जनरल असलम बेग नज़र आए। मैंने कहा, जनाब बेग साहब ये क्या हुआ, जनाब शेख इधर भी हैं और उधर भी, आप उधर बात कर रहे थे कि हम इराक के साथ हैं, यहाँ भी आप आए हैं, और ख़बरें ये चली थी कि वो जो है अगले मोर्चों पर गए थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ होती हैं, और उस वक्त अकेला मैं नहीं था, एक सहाफ़ी और थे और हमारे कोई 5-6 और बड़े लोग थे, एक नाम मैं बता देता हूँ, प्रोफेसर साजिद मीर साहब थे, सेनेटर साजिद मीर साहब,
तो ये एक सूरत हाल थी उस वक्त कि हम जब कह रहे थे कि हम नहीं साथ दे रहे हैं, तब भी हम इस तरह की सूरत हाल में थे कि वो जब बिल्कुल इनकार कर दिया था तो उस वक्त, फिर जब हम इकरार करते हैं तो ऐसे करते हैं कि जनाब यहाँ आए, हमारा शहबाज एयरबेस जो है वो इस्तेमाल हुआ, बलूचिस्तान के एयरबेस इस्तेमाल हुए, दालबंदीन को हमने किस तरह इस्तेमाल किया, दूसरे हमने एयरपोर्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग हैं, और किस तरह से हमने उनको मौका दिया है कि जाएँ जनाब एक यूनोकोल का खाब, यूनोकेल का खाब टूटने पर जो है अमरीका ने किस तरह से उजाड़ दिया था अफगानिस्तान को और हम उसके शरीके कार रहे हैं। अब अगर ये खुदा ना खास्ता जनरल लोधी साहब जिस तरह इशारा कर रहे हैं, वो बड़े विजनरी हैं, बहुत उनका उनका फहम बड़ी है, उनका तजर्बा बड़ा है और उनका अपना विजन बड़ा है, अगर वो कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं तो हम तो सहम रहे हैं इस बात से। मुझे खौफ महसूस हो रहा है अगर हमने किसी फरमाइशी जंग में प्रॉक्सी में शिरकत की तो पावर कॉरिडोर में जो भी बैठे हों वो कम अज़ कम इस बात को जहन में रख लें कि फिर हमारे पास एक डंडा और खाने की सलाहियत नहीं है। बिल्कुल, हम किसी भी किस्म की और एक ऐसा जरा है नहीं कि अब हमारे पास बाकी बचे गलगर साहब हमारे साथ। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अजन लोधी साहब और लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, तो लोधी साहब हुकूमत क्या कर सकती है, हुकूमत के पास तो आप पहले ही प्रेशर, आप जिस तरह से कह रहे हैं भारत मान नहीं रहा है, तो हमारा अब रोल क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं? जी जी, जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है, मतलब हमने डिप्लोमेटिक फील्ड में काफ़ी काम किया है और आपको पता है दो दफ़ा कम से कम बहस हो चुकी है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया बहुत इसमें हमारी कामयाबियां हैं। लेकिन जहां हमने कुछ नहीं किया उसमें एक तो कानूनी सतह है, जिसमें अभी आपको पता है कि जो वॉर क्राइम्स की का फोल्डर है वो अब तक हमें बना लेना चाहिए था कि जो इंडियन जनरल हैं उन्होंने क्या कहा, उनके वज़ीर दिफा ने क्या कहा और वहाँ पर जो कुछ किया गया उसकी कोई फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, कुछ हमारे पास और ज़राए से कोई ख़बरें भी होंगी, उनका एक फ़ोल्डर बना के अब तक हमें चला जाना चाहिए था वॉर क्राइम्स जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं इंडिया की उनके ख़िलाफ़ एक फ़ोल्डर जाना चाहिए था यूएन में, जो कि अभी तक नहीं गया। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में चलें और कोई बात नहीं, कम अज़ कम हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए थी कि कोई ना कोई वहाँ पर न्यूट्रल ऐसी बॉडी जाए, कमेटी जाए, जाके ख़ुद देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और रेड क्रॉस को ये कहना चाहिए था कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए जो खुराक का इंतज़ाम है, दूध का इंतज़ाम है, वो करें, जो दवाइयाँ, आखिर क्लैम्प डाउन इतने अरसे से वहाँ मसाइल तो बेशुमार खड़े हो गए हैं, उनका कोई इंतज़ाम करना चाहिए था, हमें दवाइयाँ भेजनी चाहिए। अच्छा, जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मामला दिए, हम ज़ल्मे खलीलज़ाद से पहले वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात कर चुके हैं और वो उनका वक्ता फ़वक्ता पाकिस्तान का दौरा रहता है, मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर अपनी माहिराना राय दीजिएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से, तालिबान और पाकिस्तान इस सारे अमल में कहाँ स्टैंड कर रहा है? जी, पाकिस्तान तो बहुत अहम उसकी स्टैंडिंग है और पाकिस्तान ऐसा ऐसा अब खुद शायद रियलाइज़ करने लगा है कि हमारी स्टैंडिंग कितनी अहम है, और मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि बजाय इसके कि आखिरी जो आपस में इनका मुआहदा होगा अफगान तालिबान का और अमरीकियों का, बजाय इसके कि वो दोहा में हो, उसकी साइनिंग सेरेमनी इस्लामाबाद में होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना रोल अदा किया है और उसमें अगर गिनवाने में लगूँ तो अब सफ़े भर जाएँ कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है। और अब जो अभी जो मसला है ये है कि तकरीबन ये मामला तय हो गया होगा, सिर्फ मुझे एक चीज़ का शक है, मुझे नहीं पता कि वो जो जहाज़ गिराया गया था उसमें वाकई अमेरिकन थे या नहीं थे, था तो जहाज़ तो अमरीकी था, ये तो उन्होंने मान लिया और कुछ उनके लोग मौजूद भी थे ये भी उन्होंने मान लिया, लेकिन इसके गिरने में किरदार था कोई तालिबान का या वो टेक्निकल वजूहात के बिना पर गिरा है, इस पर बहुत डिपेंड करता है
हकीकत पे कि भी ये क्या आगे मामला होने जा रहा है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये तकरीबन मामला तय हो गया होगा सीज़ फायर का भी और आपस में इनके इनखला का भी, और इसी के लिए ये आखिरी जो बातचीत है वो जारी है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और पाकिस्तान को तो सिर्फ अब तक जो रोल अदा किया है वो तो अपनी जगह सही, इसके आगे भी बहुत रोल अदा करना है, क्योंकि अभी जो एक वैक्यूम पैदा होगा उसमें बहुत सी और फोर्सेज उसको उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगी। ऑलरेडी आपने सुना है कि जो गवर्नमेंट ने, अफगान गवर्नमेंट ने बुलाया है कि हमें एक डिवीज़न चाहिए इंडियन आर्मी का, और उन्होंने इस किस्म का इंडिया दिया है। मुझे नहीं पता वो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान मानेगा, हिंदुस्तान को पता है कि उनकी एक डिवीज़न फ़ौज उधर गई तो उसका क्या हशर होगा, लेकिन अभी आने वाले जो महीने हैं साल हैं वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अहमियत में और इजाफा भी करेंगे, और पाकिस्तान को बड़ा अलर्ट होकर ये सारा काम करना। बिल्कुल अगर सब मैं मुख्तसर नियाम है, पाकिस्तान कुछ हासिल भी कर पाएगा इस सारे अमल के बाद? एक तो अमन अमान पाकिस्तान ने अपना बड़ा कुर्बानियों के बाद हासिल कर लिया है, इस सारे अमल में पाकिस्तान को क्या हासिल होगा उसके बाद? अल्लाह करे कि कुछ हासिल हो, इससे पहले जितनी भी हमने एफर्ट्स किए हैं, जितनी उनकी खिदमात बजा लाए हैं, हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, हमने पे किया है, हमने अपनी सोसाइटी के बुनियाद जो है उसको हमने बहुत मुतासर किया, हमने सोसाइटी का जो हमारा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर था हमने उसको लर्जा के रख दिया था सिर्फ इनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। और आखिरी फरमाइश 2001 की, उससे पहले 1981 की, 1981 में जब वार शुरू हुई है तो हम उनकी खिदमात बजा ला रहे थे, और उस वक्त तो वो बहुत ही बिल्कुल ऐसे हो रहे थे जैसे ये मुल्क जो है वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा हमदर्द मुल्क है, और जिस तरह से चार्ली विल्सन, जॉन हैरिंग, गस्ट ब्रेकोस्ट, वहाँ के CIA, वहाँ के जो बड़े लोग थे, और पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस खुला हुआ था कि जनाब आए, और जिन लोगों को बाद में वो दहशतगर्द कहते इन्हीं लोगों का खैर मकदम हो रहा था, वेलकम हो रहा था। और इसी तरह से फिर जाकर वो जब 9/11 हुआ तो फिर मारपीट शुरू हुई, और जिस तरह से उसी में भी हमें घसीट लिया गया। अब जो कुछ हो रहा है, अगर अमन हो रहा है तो हमें अमन का हिस्सेदार बनाया जाए, और इस बात की अहमियत को तस्लीम किया जाए कि पाकिस्तान एक ख़ास जुग्राफी में है और इसकी जुग्राफी अहमियत है, और अब ये माना जाए कि पाकिस्तान का हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और हमारे यहाँ इस चीज़ को, इनको ताकतों को और खासतौर पर अमेरिका को इस वक्त इस चीज़ को तस्लीम भी करना होगा कि पाकिस्तान की क्या अहमियत। बहुत शुक्रिया जनरल खालिद नईम लोधी साहब आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद एक से पहले एक और खबर देते चलें आपको कि इस वक्त IG सिंध की तब्दीली के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन मौजूद हैं वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख के साथ। सलाहुद्दीन, क्या कहते हैं शेख साहब IG सिंध की तब्दीली से मुताल्लिक़? जी, IG सिंध के मामले पर जो है वफाक और सिंध में सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तवानाई उनसे इम्तियाज़ शेख साहब, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से आइंदा का क्या लाया अमल सिंध हुकूमत तैयार कर रही है, कोई रास्ता निकाल रही है कि IG सिंध के हवाले से कि कोई ये मामला हल हो जाए। जी, और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ हो रही है, ये जो कि आइनी हक है सूबे के वज़ीर आला का, सूबाई की सूबाई हुकूमत जो कि मुंतखब अवामी हुकूमत है उनके पास ये हक है कि वो कंसल्टेशन के बाद अपना IG चेंज करें, तब्दील करें, या चीफ सेक्रेटरी तब्दील करें। दूसरी बात ये, वज़ीर आज़म की भी कोई ज़बान की कोई हैसियत होती है, और वज़ीर आज़म की कोई कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट होती है। सियासी जलसों में तो चलें तकरीरों में यू टर्न कोई लगा ले, लेकिन 1-to-1 मीटिंग्स में जो कमिटमेंट्स होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये वज़ीर आज़म के फैसलों के ऊपर कौन इतना हावी है। सिंध को और सिंध की हुकूमत को उस तरीके से नहीं देखा जा रहा कि अवाम की हुकूमत है, और सिंध को एक कॉलोनी की हैसियत से ट्रीट किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत है। ठीक है, सलाहुद्दीन हमें आगाह कर रहे थे कि क्या इस वक्त इम्तियाज़ शेख गुफ्तगू कर रहे हैं IG सिंध की तब्दीली से मुतालिक। हम एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अब बात करेंगे कोरोना वायरस से मुतालिक और पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं चीन के अंदर उनका क्या होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना वायरस पूरी दुनिया इससे परेशान है। पाकिस्तानियों के बारे में कहा गया कि वो वुहान में इस वक्त मौजूद हैं, कुछ फंसे हुए हैं और कुछ लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस भी पाकिस्तानी हुई है। पाकिस्तान के अंदर क्या इकदाम इस वक्त हो रहे हैं, शबिया नकवी हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। शबिया, किस किस्म के इकदाम हुकूमत कर रही है? जी बिल्कुल, वायरस से तक 7,500 से ज़ायद अफराद चाइना में इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, जबकि 170 से ज़ायद अफराद इसी मर्ज़ की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वजारत सेहत के इंतजाम में तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे स्कैनर्स लगा दिए गए हैं। बैरून मुल्क से जितने भी मुसाफिर आ रहे हैं वो स्क्रीनिंग के अमल से गुजर रहे हैं और वजारत सेहत का यही कहना है कि थर्मल स्कैनर गन से हम जो है वो मुसाफिर का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको वहाँ से अलग कमरे में मुंतकिल किया जाता है और वहां से भी जो पिम्स हस्पताल है वहां पे आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है जहां पे ये मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ रोजाना की बुनियाद पर वजारत सेहत में इजलास भी किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ वजारत के अफराद शामिल होते हैं बल्कि उसके साथ साथ पाक आर्मी और दीगर जो माहरीन जो है वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। वजारत सेहत ने एक एमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया है और जो कि इस तमाम अमल की निगरानी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो थर्मल स्कैनर गन्स है वो कम होने की वजह से WHO से जो है मजीद करीब जो है वो गन्स भी मंगवाई गई हैं जो कि पाकिस्तान को मुहैया कर दी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें किट्स की तो अभी तक चाइना और जापान से जो किट्स लाई जा रही थी कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज रात तक वो किट्स पाकिस्तान में पहुँच जाएंगी। और इसके साथ साथ जो प्रोटेक्टिव ड्रेस है जो जिसको के वो कॉस्ट्यूम जो है वो डॉक्टर्स पहन कर ही कोरोना वायरस की हमें आगाह कर रही थी कि पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं इस सूरत हाल पर। लेकिन एक मामला बड़ा अहम है, कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी वो स्टूडेंट्स जो चाइना में तालीम हासिल कर रहे थे जो वुहान में मौजूद हैं वो वहाँ पर स्टक होकर रह गए, उनका पाकिस्तान आना इस वक्त मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत उनको यहाँ नहीं ला रही है। नज़ीर ग़ारी साहब, एक तरह से ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी बेहतर निगहदाश्त हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं हमारे पास है, हम पोलियो को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर हम उनको लाकर जो इस वक्त मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं उनके लिए भी उनकी जान के लिए ख़ासतौर पर ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं कर देंगे? एक तो ये कि वहाँ केयर ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकती है, हो रही है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर हमारे पास इंतज़ाम हो सकते हैं तो यहाँ उनको लाना चाहिए। असल मसला ये है कि फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जो बच्चे मौजूद हैं वो किसी सूरत भी उनका इत्मीनान नहीं हो सकता है जब तक बच्चे उनके सामने ना हों। इसलिए कि चार बच्चों के बारे में बताया जा चुका था कि जी उनको ये जो कोरोना वायरस के वो सिम्टम्स पाए गए हैं और वो उनको डिक्लेयर किया गया कि वो पॉजिटिव निकला है उनमें, अगर ये चीज़ बढ़ती है तो ज़ाहिर है आपके लिए भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हुकूमत को अपना इंतज़ाम करना चाहिए। देखें, दुनिया भर में ममालिक ने वापस बुलवा लिया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बुलवा रहे हैं, तो आप कोई ऐसा इंतज़ाम करें, कोई ऐसी जगह का इंतज़ाम करें जहाँ पर उनको रखा जाए और उनके मुनासिब देखभाल की जाए। और फिर ये कि चीन से ही आप मदद ले सकते हैं, ऐसा तो है ना कि चीन से लोग आ रहे हैं जी, अगर चीन से चीनी आ सकते हैं तो फिर आपके अपने पाकिस्तानी क्यों नहीं आ सकते हैं? तो भारत आपको इंतज़ाम करना है, कोई ना अभी फिलहाल तो सारी परवाज़ें बंद रखती हैं सिविल एविएशन ने, ना जा रही हैं ना ही आ रही हैं चाइना में। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि हमारी परवाज़ें बंद हैं, लेकिन दुनिया भर ने ऐसा नहीं कि दुनिया भर ने अपने लोगों को निकाला, अभी ऐलानात हो रहे हैं दुनिया भर से कि जी आप वापस आ जाएँ, और यूरोपियन चले गए हैं, अमेरिकन चले गए हैं, इंडिया के जहाज पहुंच गया है, ऑस्ट्रेलिया के लोग चले गए, न्यूजीलैंड के लोग चले गए, इंडोनेशिया के लोग चले गए हैं और दूसरे लोग जा रहे हैं, और हम बिल्कुल करीबी थे और हमें हमारे यहाँ लोगों की आमद आसान भी थी, तो लोग जो आना चाहते थे उनको आने के। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला, अगर वो वहाँ पर मौजूद भी हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ का सफारत खाना है वो उनके साथ उस तरह का तआवुन नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, आपको भी मालूम है कि जो वहाँ गए हुए हैं उनके पास कितने को पैसे हो सकते हैं या क्या उनके पास हो सकता है? और चाइना में तो जिस तरह की स्कॉलरशिप्स आई थी, बच्चे यहाँ से वो गए लोअर मिडिल क्लास बच्चे पढ़ने वाले, उनको स्कॉलरशिप्स मिली, तो इस बात का भी वजारत खारजा को सफारत खाने को फौरी तौर पर देखना है कि उनको हर तरह की मदद कम अज़ कम वहाँ पर फराहम की जाए कि उनको वो जो अकेलापन इस वक्त फील हो रहा है और वो जो खौफ है उससे वो निकल सकें। वो खौफ उनको है लेकिन ट्रामा तो यहाँ फैमिलीज में बिल्कुल है, और जिस घर का बच्चा वहाँ पर रह गया है
اور خاص طور پر زیادہ متاثرہ علاقوں جو چین کے ہیں وہاں پر اگر کوئی رہ گیا ہے وہ بالکل درست ٹھیک ٹھاک بھی ہو تب بھی اور ہوں گے ہی ٹھیک، اللہ انہیں سلامت رکھے اور جہاں پر وہ ہیں خیریت سے ہوں، لیکن اطمینان نہیں ہو سکتا ہے بھائی اگر 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 کوئی بھی میرا کوئی عزیز ہو اور اس حالت میں ہو تو میں مجھے اطمینان ہی نہیں ہو. لغاری صاحب، چین سے جو ہیں وہ ابھی حالیہ کچھ 26 تاریخ کو حسان احمد قادری ایک طالب علم وہاں سے آئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. حسان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کب آئے ہیں چائنا سے واپس؟ اچھا، ابھی آپ 26 تاریخ کو جب آپ واپس، ایک تو حسان آپ بتائیے گا کہ آپ چین میں کہاں پر رہتے ہیں، جہاں آپ موجود تھے وہاں پر یہ وائرس یہ مرض آیا؟ جہاں میں رہتا ہوں، میں وہاں سے تقریباً 12 گھنٹے کی ٹرین کا ڈسٹینس ہے اور ہاندان سٹی ہے میرا، میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں اور وہاں پہ بھی ہمارے یہ وائرس آیا ہے، بٹ یہ ہے کہ کم ہے اور اس میں تقریباً 1 سے 2 جو ہے نا ابھی تک یہ ہے کہ کیس ہمارے سٹی میں ہوئے ہیں. اچھا، تو حسان، کسی پاکستانیوں کا جب آپ موجود تھے ان کے مرض لاحق یا ان میں کوئی پازیٹیو کی خبر آپ تک اس وقت پہنچی تھی؟ نہیں، ویسی کوئی ہمیں خبر نہیں پہنچی اور ہم لوگ بھی جو ہے نا مانیٹرنگ وغیرہ وہاں پہ تھرمل مانیٹرنگ وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ کا شکر جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے صحیح ہیں. حسان، آپ کے وہاں پر جو اسٹوڈنٹ ساتھی موجود ہیں، آپ سے کسی کا رابطہ ہوا جو وہاں میں خاص طور پر موجود ہیں کہ ان کی وہ کس حالت میں ہیں جو ابھی تک آ نہیں سکے؟ نہیں ہوا، لیکن میرے فرینڈ جو ہے ان کا رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ وہاں پہ صورتحال بہت خراب ہے اور ایسا ہے کہ وہاں پہ مطلب بہت ہی زیادہ جو ہے نا وائرس پھیل رہا ہے، صحیح، یہ مین ٹو مین بہت پھیل رہا ہے. وہ واپسی کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں حسان؟ واپسی کے بارے میں مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ حکومت سے ہی بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ واپس سے نا نکالیں، کیونکہ ہم یہاں بڑے بڑے جو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں پہ وائرس لگ جائے یا بڑے بڑے ختم ہو جائیں. ان کے رابطے ہیں وہاں پر سفارت خانے کے ساتھ، اور سفارت خانہ کیا رسپانس کر رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے کسی سفارت خانے نے مطلب ہم سے تو کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور ان سے اگر کیا ہو تو مجھے اس کا نہیں خبر، لیکن ہم سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حسان ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی حالیہ یہ واپس آئے ہیں چائنا سے اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، جب یہ نکلے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر یہ زیادہ مرض کا معاملہ بھی اٹھا ہے. اور اب آپ کو لغاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک بڑے شخص کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ایک طرف گورنمنٹ نے احساس پروگرام شروع کیا، لیکن ایک احساس کرنے والا رکشہ ڈرائیور بھی ہے جو صرف اس وجہ سے کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی بہنیں نہیں پڑھ سکیں لیکن باقی بچیاں پشاور کی وہ پڑھ سکیں، فری رکشہ سروس اسکول کالجز میں آنے لے جانے کے لیے اس نے شروع کر رکھا ہے. معاملہ کیا ہے؟ نعمان احمد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. نعمان، کون ہے یہ رکشے والا جو یہ فلاحی کام کر رہا ہے؟ جی، میں پشاور کے نواحی علاقے ورسک روڈ درمنگی میں موجود ہوں اور میرے عقب میں یہ جو رکشہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو چھوٹی بچیاں سرکاری اسکول میں جو زیر تعلیم ہیں وہ اس رکشے میں سوار ہو رہی ہیں، یہ کوئی عام رکشہ نہیں ہے بلکہ فری سروس ہے ان بچیوں کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.